इंदौर सहित देश भर में बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर के मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर भोग अर्पित किया गया। प्राचीन गोपाल मंदिर रशीदा मंदिर पर प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मंदिर परिवार के साथ ही जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस मौके पर जहां रणछोड़दास भगवान का अभिषेक किया गया, वहीं बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पंडितों ने झूला भी झुलाया। मंदिर के पंडितों ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आम भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से भक्तों को दर्शन कराए गए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर किस तरह की स्थितियां वर्तमान में कृष्ण जन्म उत्सव सदैव हमेशा दो दिन मनाया जाता है। गोपाल मंदिर में इस्माइल संप्रदाय को मानने वाले होलकर स्टेट के राजा महाराजा थे और उनकी स्मृति में कृष्णाबाई भाई होलकर की स्मृति में मंदिर बना। तो यहाँ पर जो जन्म उत्सव कल मनाया गया, आज गोपाल मंदिर में भगवान का जिसको अपन बोलते हैं नंद उत्सव, भगवान के जन्म होने के बाद नंद उत्सव मनाया जाता है। तो कल हमारे यहाँ सारी धार्मिक गतिविधियाँ ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक पूजन श्रृंगार आरती और महाउत्सव मनाया गया। आज भी प्रातःकाल भगवान का स्नान ध्यान, भगवान को भोग और भगवान की महाआरती की, और इस प्रकार से इस वर्ष थोड़ा जन्म उत्सव जो है उसको अपन कहना चाहिए एक प्रकार से फीका। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमारे यहाँ आज नंद उत्सव का महत्व है। गोपाल मंदिर में भगवान का जन्म कल हो गया और आज उत्सव नंद उत्सव है और वैष्णव जो लोग हैं वो आज उत्सव मना। लॉकडाउन को लेकर कोई फर्क पड़ा? लॉकडाउन से फर्क तो ऐसा है कि जैसे यहाँ पर हजारों आदमी रात्रि में महाआरती में सम्मिलित होते थे, जहाँ पर गिनती के कुछ लोग जहाँ पर हजारों में थे जिनकी गिनती दहाई में भी नहीं। आपका नाम? हमारा नाम पंडित बालकुंड पारस है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।